बसमिलीमदिल्ल रबालमिन वसलासलामाम सैदिलसली वबी अजमा अम्माबाद मोहतरम नादरीन कराम अकाम दीन का प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब हम किताब सुनत की रोशनी में पेश करना चाहते हैं तो आइए आइये सवालों के जवाब पर आते हैं हमारे एक भाई का सवाल है और बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है वो कहते हैं कि आप मुझे ए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिसकी बुनियाद पर ए, मैं रब के नज़दीक महबूब बन जाऊं और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनके ज़रिए अख्तियार करने से मुझे ये फ़ायदा मिल सकता है आगे बता रहे मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं मैं कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में उनकी तथपीक भी करना चाहता हूँ कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिस कर लूँ लेकिन जैसे उम्मत के बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर कुछ परेशानियाँ पाई जाती हैं मतलब तो गाने सुनते हैं फिल्में देखते हैं उन्होंने जिस मिसाल दिया है इस किस्म का और बहुत से छोटे मोटे गुनाह करते रहते हैं मैं भी इनमें में मुबतला हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझसे कम से कम हो सकें लेकिन फिर भी लोगों की तरह से होते हुए देखते हुए ज़माने के हिसाब से मैं भी घिचड़ जाता हूँ और मैं ये काम कर जाता हूँ जबकि मुझे इसके बारे में परेशानी होती है तो क्या ऐसे कुछ इसबाब हैं ऐसे कुछ दराए हैं जिनकी बुनियाद पर मेरे ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली आ जाए और मैं इन कामों को छोड़कर अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊँ बिला ये सवाल बहुत अच्छा है और ये हर किसी की कोशिश होनी चाहिए हर कोई गुनहगार है इसमें कोई दौरा नहीं हर कोई गुनहगार है गुनाहों के दर्जात होते हैं और इसी तरह से नेक कामों को अख्तियार करके उन दर्जात को को छोड़ सकता है और नो के दर्जात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में बढ़ा सकता है जिसके ज़रिए से उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है और अल्लाह का महबूब बंदा बन सकता है लेकिन आपको फिर उसके लिए क्या करना चाहिए तो जैसे किसी भी काम जिसकी बुनियाद पर आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचता हो जैसे आप देखते हैं दुनिया की ज़िंदगी में कि आपको इस चीज़ के खाने से नुकसान पहुंचता है तो आप उसको रोक देते हैं इस रास्ते पे चलने पर आपको कांटे चुभते हैं तो उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते पे चलते हैं इस पर कांटा नहीं चुभे इस किस्म के जहां भी नुकसान के असबाब आते हैं आप उनको छोड़ करके उसका बदल जो है जो उससे बेहतर आपको ज़िंदगी दे सकता है उसको अख्तियार करते हैं इस सिलसिले में भी यही नसीहत की जाए कि सबसे पहले आपको इन गुनाहों को छोड़ना चाहिए वैसे भी गुनाह करने के लिए ज़रूरी है कि गुनाह करते हैं तो उस पर तौबा कर लें ज़रूरी है कि आप तौबा कर लें और तौबा करने का तरीका यह कि उसको दोबारा नहीं करना चाहिए उस पर बाहर कोशिश करें उसके इसबाब जो होते हैं उससे रोकने के उसको उससे बाद आ जाएँ आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान मजीद में जना को हराम करार दिया गया तो कहा गया उससे करीब तक ना जाओ ने हदीस में बताया कि भाई ये भी जना है और वो भी जना आँख से देखना भी जना हाथ से पकड़ना भी जना है और इसी तरह से और भी जना के इसबाब हैं लेकिन आपने कहा कि इसकी तस्दीक आदमी की शर्मगाह करती है यानी हकीक जना कहाँ जाकर होता है लेकिन उसके जो इसबाब हैं तो कहा गया कि गजे बसर करो यानी निगाहों को पस्त रखो बार बार उस तरफ नहीं देखो एक नज़र पड़ जाए तो दोबारा बार बार उसी की तरफ नहीं जाया करो तो ये सब असबाब होते हैं गुनाहों से दूर रहने के तो आप उनको अख्तियार कीजिए और उन चीज़ों को पसंद कीजिए जिसको अल्लाह तारा पसंद करते हैं और अल्लाह के रसूल पसंद करते हैं हदीस शरीफ़ में आया है कि आदमी ईमान की रोशनी चाशनी को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक कि वो हो जो से अल्लाह और रसूल जो पसंद करते हैं वो पसंद कर रहे हैं और अल्लाह और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब बन जाए तो अगर आपको अल्लाह का महबूब बनना है तो ईमान की चाशनी को ईमान की हलावत को अपने अंदर पैदा कीजिए ईमान की हलावत आपको अल्लाह से करीब करती है और ईमान से दूरी आपको अल्लाह से दूर करती है लिहाजा उसको पसंद के फरमाया हदीस शरीफ में सला सुबनक है वज़दा हलावतल ईमान तीन चीज़ें ऐसी हैं जगह किसी इंसान के अंदर वो पाए जाएँ तो अपने दिल के अपने ईमान की चाशनी उसकी मिठास को महसूस करता है पहली चीज़ यकून अल्लाह रसूल अहब्ब मिम्मा सेवा हम पहली चीज़ ये है कि उसके नज़दीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत किसी और की मोहब्बत के मुकाबले में ज़्यादा हो ज़्यादा पसंद हो उनकी मोहब्बत के सामने किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं करता ना उस पर अमल करता है दूसरी चीज़ ये हब्ब अलमरअी युहब يحبه अलाब अ किसी आदमी से आप मोहब्बत करें तो सिर्फ़ अल्लाह वास्ते करें यानी उससे आपकी मोहब्बत का जो वास्ता है वो इसलिए है कि वो अल्लाह का एक महबूब बंदा है अल्लाह के आमाल, आमाल अमाल बताए हुए अमाल पर अमल करता है बुराइयों से दूर रहता है आप उसको अल्लाह उसको इसलिए पसंद करते हैं और अल्लाह इसलिए कि अल्लाह के नजरी को महबूब अमल करता है और इसी तरह से आपका ये अमल उसके साथ मोहब्बत का इसलिए है कि वह अल्लाह का एक नेक बंदा है लाफिला उससे मोहब्बत करते हैं और कोई आपका मकसद दुनियावी उसके पीछे नहीं लगा हुआ है तीसरी चीज़ यह है ये हैय्यूक्रहा अयदफिलक़्र कमांक्रह एयुक दफ़ा फिनार तीसरे उसके नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ यह हो कि वो कुफ्र की तरफ लौट जाए जैसे कि आदमी नापसंद करता है कि आग में डाला जाए किसको पसंद है कि आग में डाला जाए जानता है कि उसका नतीजा चलना है अपने आप को भस्म कर देना है तो ऐसे ही उसके नज़दीक कुफ्र का काम ऐसे ही नजर आता हो कि वह एक आग है जिसके तक करीब जाने से हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी इस तरह से अपने को रखता है तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान ईमान की चाशनी और उसकी मिठास को पाता है उसकी शेरीनी को महसूस करता है और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिस पाता है तो इससे पता चलता है कि ये इसबाब हैं जिनकी बुनियाद और अल्लाह की महब्बत हासिल होती है और ऐसे ही इंसान को अल्लाह का तकवा अख्तियार करना चाहिए और हसन खुल्क भी अख्तियार करना चाहिए तकवा औरन ख़ ये दो चीज़ें हैं अदीस में आया हुआ है इतना हाइसमा कुंत जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो व तब इस सैतहसन तमो और किसी भी बुराई के बाद अच्छाई करो ताकि उस बुराई को मिटा दे वाल से बुल्कन हसन और लोगों से हसन सलूक से पेश आओ अच्छे अखलाक़ से पेश आओ ये इमाम महमद और तिरमी दोत है इसमें जो दो चीज़ें बयान की गई हैं अल्लाह का तकवा और हुस्ने अखलाक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के नज़दीक भी महबूब होता है और अल्लाह के बंदों के नज़दीक भी महबूब होता है ये दो तरह की मोहब्बत यानी दुनियावी मोहब्बत भी उखरवी मोहब्बत भी बंदों की मोहब्बत भी अल्लाह वाली मोहब्बत भी सब उसे हासिल हो जाती है और इसकी वजह क्या है कि इंसान अगर अल्लाह का तकवा अपने अंदर रखता है तो उसकी बुनियाद पर अल्लाह और अपने दरमियान जो भी मामला हैं आमाल के अहकाम आवामिर के सबको अच्छी तरह से पूरा करता है और इसमें कोई मुखालफत नहीं करता है गोया कि अल्लाह के फरमान पर चलता है और अल्लाह ने जहाँ रोक दिया उसे रुक जाता है और दूसरा मामला जो ये है अखलाक वाला ये अपने और अपने से जैसे बंदों के दरमियान मामला को दुरुस्त रखता है अखलाक तो ये है कि भाई आप उसके साथ मुखासमत ना करें गाली गलूज ना करें उसके कामों को पूरा करें उसका साथ दें उसके खैर खा बनें तो इस तरह से इंसान अपने तकवा के जरिए से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महब्बत को अपन लिवाजब कर लेता है और हुसन खुल्क के जरिए से अल्लाह के बंदों की मोहब्बत को भी हासिल कर लेता है ऐसी सूरत में ये दोनों चीज़ें दुनिया और आखरत दोनों में उसको महबूब बना देती हैं वैसे अलाम इब्ने कम ने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के जो ज़रा बताए हैं जो इसबाब जिक्र किए हैं वो दस जिक्र किए हैं मैं उन्हें इक्तसार के साथ जिक्र कर देना चाहता हूँ इबिन कैम ने कहा है कि अल्लाह की महब्बत को लाने वाली चीज़ें और इसको वाजिब कर देने वाली चीज़ें दस होती हैं आपने पहले बताया एक तो ये है कि आप मजीद को फहमो तदब्बर से पढ़ें कुरान मजीद की तिलावत करना और साथ में उसके मानी और मफाहिम को समझने की भरपूर कोशिश करना इंसान को अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाती है इसलिए कि अल्लाह ने जो बताया है उसको आप जानेंगे और उस पर अमल करेंगे और जिस चीज़ से रोका है उससे बाद आ जाएंगे तो यही अल्लाह का मतलूब है आपसे और अल्लाह का मतलूब जब आप पूरा करते हैं इबादत जिसको इबादत जिसको हम ये नहीं कहते सिर्फ इबादत नमाज में है पूरी ज़िंदगी एक इबादत का एक मजमु बन जाती है तो आप उसको अल्लाह के हकाम के साथ पूरा करेंगे और कैसे समझेंगे कुरान मजीद को जब फहमो तदब्बर से आप पढ़ेंगे कि क्या अल्लाह फरमाते हैं और हमें क्या करना चाहिए तो यह अल्लाह की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा जरिया है इसलिए कि तब आप रसूल अल्लाह सल रस पूछा गया कि आपका अख्लाक क्या था तो आप हज़रत आयशन के अल्लाह के रसूल का अख्लाक़ कुरान मजीद था कुरान मजीद में जो कुछ आया हो उसको आप करते जिससे रुकेंगे उससे रुक जाते थे आप भी ऐसा कीजिए दूसरी बात उन्होंने बताया कि तकर्रबल्ह बिन नवाफिल बादल फ़राद उन्होंने कहा है अपनी किताब में कि अल्लाह तबारक को तारा के दर तकर्रब जो है फरीदा नमाजों के अदा करने के बाद फरीदा अहकाम के पूरा करने के बाद नवाफिल से भी काम लीजिए अब वो ये नमाजों के अंदर नवाफिल नमाजें हैं जकवात के बाद सदक़ात हैं रोज़े के साथ नवाफिल रोज़े भी हैं हज के साथ दोबारा हज करना है उबरा करना है ये सब चीज़ें हैं तो जो फ़राइज हैं उनको तो अदाप पदा ही करते हैं उसके बाद जो नवाफिल के दर्जे की चीज़ें आती हैं जो फर्ज नहीं होती हैं उनको भी अदा करें तो अल्लाह तबारक तक महबूब तो इसकी जर में हदीस भी आई है लंबी हदीस कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह हमारा बंदा जो है हमारी तरफ़ फ़राज़ की अदायगी के बाद जो नवाफिल करता है उसके ज़रिए से हमारीबत हासिल करता है तीसरी चीज़ यह है कि अल्लाह तबारक को ताल का जिक्र यानी विरद करते रहिए अल्लाह का जिक्र करते रहिए हमेशा करते रहिए आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए आपका दिल भी आपका काम भी आपकी सूरत हाल भी आपकी चाल भी आपकी रफ़्तार गफ्तार भी जो भी है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के ज़िक्र से तर रहना चाहिए अब उन्हीं में से एक चीज़ जैसे आप कभी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं बिस्मिल्लाह से शुरू करते हों जब भी अल्लाह की कोई नेमत हासिल करते हूँ तो उस तो पर अलहदल्ला कहते हूँ या इसी तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह और इस तरह के अजकार जो उनको हमेशा अदा करते रहते हों ला ला लाहौल कोत बिल्ला वाहत शरी़ लू इस किस्म के दुआएँ पढ़ते रहते हूँ ख़ाली वक्तों में ये अल्लाह से रबत का एक बड़ा ज़रिया है चौथी चीज़ उन्होंने बताया है कि अल्लाह त जो चीज़ें महबूब हैं उनको आप अपने उन चीज़ों पर गलबा दें जो आपकी महबूब होती हैं इंसान की अपनी भी खवाहत होती हैं लेकिन अगर ये ख्वाहिशात अल्लाह के अहकाम से टकराती हैं तो आपको अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात को दबाना चाहिए न ये कि अल्लाह तारा के हुक्म को दबा करके अपनी तकमील कर लीजिए ये मोहब्बत का जरिया नहीं मोहब्बत का जरिया यह है कि अपने नफ्स को आप मारिए और उसको मगरूब कीजिए अल्लाह तला की मोहब्बत और उसके अहकाम को गालिब कीजिए पाँचवीं चीज़ यह है उन्होंने बताया कि दिल से अल्लाह के असम और सिफात के बारे में ग़ौर कीजिए दिल से गौर कीजिए सोचिए इतमान के साथ उसमें मुशाह कीजिए और इसी तरह से अल्लाह के आसमा और सिफात जो है जिससे अल्लाह ताली खालिक है क्या क्या उन्हें उसने बताइए अल्लाह तारा मालिक है हर चीज़ का मालिक है इस तरह से रब है हर चीज़ को पालता है और बहुत सारे जो अल्लाह के आसमा हैं उनके बारे में उनके मानी में गौर कीजिए देखिए कि उनका मुशाह आपको दुनिया में कैसे नज़र आता है आखिरत में उसकी कैसे तनफीद होती है और अल्लाह ताली की इसी मालूम इसी आसमा और सिफात के बारे में ग़ौर करते हुए अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचिए और इसी तरह से जब भी आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला वाकई रहीम है अल्लाह ताला करीम है अल्लाह तला रब्आलम है अल्लाह तारसन ख़ालक़िन है मालिकबा है तो इस किस्म के आप सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अस तब्दीली आएगी ये सोच कर कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताली ही है और हमारे रब से बत के लिए अल्लाह के आसमा सिफ़ात के अंदर ग़ौर करना उसके मुताबिक अमल करना येबत का बहुत बड़ा ज़रिया है और इसी तरह से अल्लाह ताली का जो एहसान है अल्लाह नेमतें हैं उनके अंदर ग़ौर कीजिए कुछ नेमतें खुली नजर आती हैं कुछ नेमतें आपके जिसम जान में या ज़मीन में छुपी हुई हैं जिनको आप नहीं देखते लेकिन वो सब चीज़ें हैं इनके अंदर गौर कीजिए और इसी तरह से सातवीं चीज़ जो उन्होंने बताई है सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को अल्लाह के नज़दीक महबूब बना देती अपने आप को मतवादे पेश करना है हदीस में महन तवादा रब्ला अल्लाह जो अल्लाह तला के लिए तवादो अख्तियार करता है इनके सारी बरतता है अल्लाह ताला उसको और ऊंचा मकाम देते हैं तो इंसान को अल्लाह के सामने हमेशा अपने आप को छोटा रखना चाहिए हर हाल में ऐसा ना हो कि आपके यहाँ जबरूत हो आपके यहाँ हो आपके यहाँ कस्वत हो आपके यहाँ परेशानी हो इस तरह की कि आप किसी को समझते है नहीं हैं सबके सबसे बड़ा बनना चाहते हैं ये सारी चीज़ें गलत हैं अल्लाह के सारे बंदे हैं आप भी एक बंदे हैं आपके पास भी अल्लाह के सामने कोई कोई हैसियत नहीं है आपकी आपके पास माल हो सही आपके पास जायदाद हो सही आपके पास मुल्क सल्तनत हो सही लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह के नज़दीक आपकी हैसियत अल्लाह के मतवादे बंदे से ज़्यादा हो जाती है आपके अंदर तोादो है आपका मकाम भी ऊँचा है दूसरे के अंदर तोा उसका भी मकाम ऊँचा लिहाजा अपने दिल को अपने दिल को अल्लाह ताला के सामने छोटा रखिए अपने आप को छोटा बना के रखिए और इसका मधार ज़ाहिर बात है इंसानों के अंदर आपसे जाहिर होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप दिल में छुपा के रखते हों और बाकी जाहिर में लोगों के सामने बड़े ही जाबिर वासी कासी नजर आते हों ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी तरह से ख़ास तौर से जब आप खाली होते हों खाली होते हों खलत में होते हों अपने रूम में होते हों कोई और ना होता हो वहाँ पर आपको अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात करना चाहिए वहाँ रोना चाहिए वहाँ दुआ मांगना चाहिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए नेकाल करने की तोफ़ी मांगना चाहिए ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर जब पैदा हो जाती हैं तो दिल में उसका जलवा दिन में उसका जलवा ज़ाहिर होता है रात की तारीख़ी में आपके रोने और इस तरह से गिराने अल्लाह से तोफ़ी मांगने का जलवा दिन में जाहिर होता है लिहाजा अल्लाह का की महबूबियत आपको आती है जब आप खुद तलब करते हैं ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहेंगे दुआ नहीं करेंगे तो अल्लाह की महबूबा आपके पास आ जाएगी और ये सब इबादत में से है दुआ करना एक बहुत बड़ी इबादत है बल्कि हदीस में आया कि दुआ मुखुल इबादत दुआ ही इबादत का लब लबाब है तो इंसान दुआ करता है अपने रब की इबादत करने के बाद जो है फिर अपनी ज़रूरतों को मांगता है हम क्या सूरह फातिहा में नहीं पढ़ते अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद अल्लाह की हकमियत को साबित करने के बाद और ये भी कहते हैं कि ईया खाना अब दो ई ईया कनस्तिन तेरी ही बात करते हैं तो जिससे मदद मतलब चाहते हैं उसके बाद फिर अपने लिए दुआ मांगते हैं तो हकीक़त में इंसान को इबादत में शुरहा जो कि कुरान मजीद के सबसे अदीम तरीन सूरत है जो किताब है इसके अंदर भी हमें इनके साथ ये बताया गया कि हमें आखिर में दुआ करना चाहिए लिहाजा अपने ज़िंदगी के अंदर दुआओं का एक बहुत बड़ा पहलू रखिए और दुआ को बामाना दुआ कीजिए शूर के साथ कीजिए ऐसा ना हो कि आप अल्फाज दोहरा देते हो दुनिया बना फिलाख़ हजर फ़िलाखना बनार आमीन आमीन कह के निकल जाते हो नहीं उसको झूठिए उसको कोशिश कीजिए इसलिए दुआओं के बारे में जो कह अल्फाज आए उनके अंदर गौर कीजिए और इसी तरह से नौवीं चीज़ यह है कि आपको अच्छे लोगों की सहबत में बैठना चाहिए उनके साथ रहना चाहिए उनके अल्फाज को उनकी ज़िंदगी जिससे सुधरती है उनके अंदर गौर करना चाहिए और मस, जो चीज़ अपने मसलहत में होती है उनको अख्तियार करना चाहिए और दसवीं चीज़ ये है कि हर वो चीज़ जो आपके और अल्लाह के दरमियान हारिज होती है फासला डालती है उससे आप खुद फ़ासला बनाइए उससे दूर रहने कोश की कोशिश कीजिए आठ या दस ये दस अस्बाब जो हमने बयान किए जो कियम ने, ने बयान किया इनको हकीदन ये ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह की महब्बत को आप तक लाती हैं और आपको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचाती हैं और इनके अंदर गौर कीजिए और इसी तरह से अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो बिलाशुबह यही चीज़ अच्छी है दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आइए इसी जवाब के साथ हम आपसे चाहते हैं इन जल्द आपसे मुलाकात होगी जिसमें आपके सवालों के जवाब हम किताब सुन्नत की रोशनी की की दलीलों से मुदैन करते हुए पेश करेंगे अल्लाह तारा हमें इसकी तोफ़ी दें और तो आ करते हैं कि अल्लाह तब को खैर से रखे और जो लोग आप तक इस प्रोग्राम को पहुँचाते हैं मदद करते हैं अल्लाह तैयार उन सब का भी ताउन फरमाए असलिकम वरम्ला वरक